हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आपके अपने चैनल आमिर बर्ड आईवीरी में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं अपने बर्ड्स को जो सॉफ्ट फूड देता हूं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, और उसी के साथ में बहुत सारे लोगों के पास एक कॉमन प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कुछ हमारे भाइयों के पास कोकाटेल हैं, किसके पास अफ्रीकन है, हर किसी के पास अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स हैं। लेकिन बात जब सॉफ्ट फूड की आती है, जो कोई भी हम सॉफ्ट फूड वगैरह अपने बर्ड्स को देते हैं तो उसमें से कुछ आइटम जो हैं बर्ड नहीं खाते, या फिर जो उन्हें पसंद आता है उतना ही खाते हैं और बाकी का वैसे के वैसा ही रह जाता है। तो सॉफ्ट फूड देने का तरीका भी बताऊँगा और किस तरह हम अपने बर्ड्स को हैबिट लगा सकते हैं सॉफ्ट फूड की, इसके बारे में भी आप सभी के साथ में मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। मेन कॉमन प्रॉब्लम जो आता है, जैसे कोकाटेल हो गए, तो कोकाटेल बर्ड जो है बहुत जगह चना वगैरह नहीं खाते। उसका मेन प्रॉब्लम जो है, हम अपने बर्ड्स को हैबिट नहीं लगाते उस चीज़ की, या फिर कुछ लोग जो हैं सॉफ्ट फूड के अंदर सिर्फ गेहूं ही देते हैं, कुछ लोग चना ही देते हैं। पर्टिकुलर आइटम देने की वजह से बर्ड की हैबिट टूट जाती है हर एक आइटम खाने की। तो हैबिट लगाने का तरीका जो है, जिससे कि आप अपने बर्ड्स को हर एक चीज़ देने की और हर एक चीज़ आपका बर्ड जो है कंज्यूम करेगा, खाएगा, उससे उस बर्ड के ब्रीडिंग में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, माशाल्लाह बर्ड के हेल्थ में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपको इसका रिज़ल्ट और फीडबैक भी अच्छा आएगा। तो मेन जो है, हमें अपने बर्ड्स को डाइट के अंदर अलग अलग वैरायटी के सॉफ्ट फूड देने हैं, और मैं कौन कौन से सॉफ्ट फूड देता हूँ इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। उसके बाद वेजिटेबल भी हम कौन कौन से देते हैं अपने बर्ड को, उसके बारे में भी बहुत जल्द वीडियो आने वाला है कि कौन कौन से यानी सीजनेबल वेजिटेबल हैं जो हमें अपने बर्ड को देना है। अब बताऊंगा सॉफ्ट फूड देने का तरीका। मेन जो है, जैसे हम अपने बर्ड्स के लिए दाना पानी हमेशा 24 घंटा अपने केजेस के अंदर रखते हैं, तो उस तरह नहीं रखना है, बल्कि शाम होने के बाद केजेस में से सॉफ्ट फूड को वगैरह हटा देना है हमें, और पानी वगैरह पूरा केज से हटा देने के बाद मॉर्निंग के वक्त सॉफ्ट फूड हमें थोड़ा लेट ही देना है अपने बर्ड को। यानी थोड़ा लेट देने की वजह से बर्ड जो है ज़्यादा भूखा रहेगा, और जैसे ही आप सॉफ्ट फूड दोगे तो बर्ड उसे खाना स्टार्ट कर देगा। स्टार्टिंग में एक या दो दिन बर्ड नहीं खाएगा, भूखा ही रहेगा, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बल्कि वैसे के वैसा ही सॉफ्ट फूड रखना है केज के अंदर। जब तक बर्ड ख़त्म नहीं करता उस टाइम तक सॉफ्ट फूड को केज के अंदर ही रखना है, और ज़्यादातर बर्ड जो हैं दोपहर के वक्त ही सॉफ्ट फूड को पूरा ख़त्म कर देते हैं। ऐसा लगातार एक हफ्ते तक हमें अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड देना है, जिससे बर्ड जो है हर वैरायटी का सॉफ्ट फूड वगैरह खाना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हमें जो हम अभी ऑफ सीज़न के अंदर सॉफ्ट फूड दे रहे हैं अपने बर्ड को, वो हमें हर सीज़न के अंदर देना है। जैसे अभी चना हो गया या फिर दूसरे स्प्राउट्स हो गए, जो भी हम वेजिटेबल वगैरह देते हैं वो हमें कंटिन्यू देने हैं अपने बर्ड्स को। यानी बर्ड की हैबिट भी नहीं टूटती और बर्ड अच्छे तरीके से भी खाता है। जैसे मैं भी, मेरे कुछ बर्ड जो हैं सॉफ्ट फूड के अंदर में चना वगैरह देता था तो वो अच्छे तरीके से नहीं खाते थे, तो मैंने जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया उसी तरीके से देना स्टार्ट कर दिया है मैंने भी, और माशाल्लाह मुझे रिज़ल्ट भी मिल रहा है हर एक बर्ड के अंदर। जैसे मैंने मॉर्निंग के अंदर ये चना वगैरह दिया था, तो तमाम बर्ड्स ने जो है पूरा के पूरा ख़त्म कर दिया। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर गेहूँ था, चना था, अलग अलग वैरायटी वगैरह थे। तो मैं दोपहर के अंदर
जब अपने बर्ड्स को चेक करता हूँ तब बर्ड जो है पूरा खाकर ख़त्म कर देते हैं और बर्ड की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है उसकी वजह से। जैसे मैंने बजीज को सिर्फ गेहूँ ही दिए थे आज, कभी कभी मैं सॉफ्ट फूड के अंदर स्प्राउट्स भी दे देता हूँ। इस तरह आप करोगे तो आपके पास इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और बर्ड भी आपके हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं अपने बर्ड को सिर्फ यानी नॉर्मल कंगनी ही देते हैं या फिर सनफ्लावर सीड हो गए वही देते हैं, तो उसकी वजह से बर्ड की हेल्थ वगैरह उतनी अच्छी डेवलप नहीं होती या फिर कह लो कि बर्ड की साइज़ वगैरह डेवलप नहीं होती। तो उसका मेन रीज़न जो है यानी बर्ड को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। जैसे हम सीड मिक्स देते हैं या फिर अलग अलग वैरायटी के सीड हो गए, सॉफ्ट फूड हो गए, अलग अलग वैरायटी की जो भी फूड हम देते हैं हर एक सीड के अंदर हो गया या फिर सॉफ्ट फूड के अंदर न्यूट्रिशन अलग अलग होते हैं जो बर्ड के लिए ज़रूरी होते हैं। उसकी वजह से अच्छी डाइट वगैरह हमें देनी है अपने बर्ड्स को। और जल्द ही मैं यानी बर्ड के लिए केजेस वगैरह बनाने वाला हूँ, तो केजेस किस तरह हम आसानी के साथ में घर पर बना सकते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे न्यू वीडियोज़ वगैरह आने वाले हैं।